दोस्तों, आज हम जिस देश की बात करने वाले हैं, वहाँ की सुंदर महिलाएं अपनी मर्जी से देह व्यापार करने की आज़ादी रखती हैं। इस देश की खूबसूरती यहाँ पर आने वालों को जाने से मना करती है। यह देश बहुत सारा पैसा अपनी शराब बेचकर कमा लेता है। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं, वहाँ की महिलाएँ बहुत ही सुंदर और मॉडर्न सोच रखती हैं। इसीलिए तो वह किसी भी पुरुष से दोस्ती कर उन्हें खुश करने में लगी रहती हैं। दोस्तों, एक ऐसा देश जहाँ पर आबादी बढ़ ही नहीं रही है, एक तो पुरुषों की कमी और दूसरा यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक सुंदर से देश स्कॉटलैंड के बारे में। ग्रेट ब्रिटेन के उत्तरी भाग में स्थित स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी देश है। इसकी खूबसूरती दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह बेहद ही शानदार देश पुरानी विरासत और आधुनिकता का बेजोड़ संगम है। आज हम इस वीडियो में स्कॉटलैंड से जुड़े बेहद ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं, जिन्हें शायद ही आपने पहले कभी सुना होगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, स्कॉटलैंड में लाल रंग के बाल वाले सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। इसी के साथ यहाँ की महिलाएँ और लड़कियाँ घुटनों से ऊपर तक के कपड़े पहनने पर यकीन रखती हैं, जो कि स्कॉटलैंड की पुराने पहनावे की संस्कृति में से एक है। यह देश लगभग 790 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी वजह से समुद्री तटों पर लोग यादगार समय बिताते हैं। आबादी के मुताबिक यह देश बहुत ही छोटा है, जिसका अंदाज़ा आप दिल्ली के किसी हिस्से में रहने वाले लोगों की संख्या मान सकते हैं। स्कॉटलैंड की कुल आबादी 2011 में 54 लाख गिनी गई थी और बाद के 10 सालों में यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि होने के बजाय कमी आई है। इसका बड़ा कारण यह है कि इस देश से कई निवासी इंग्लैंड में जाकर बस गए हैं, खास तौर पर पुरुष। अब हालात ये है कि यहाँ पर जन्म दर मृत्यु दर से बहुत ही कम है। इस देश की राजधानी एडिनबर्ग शहर है और सबसे बड़ी सिटी ग्लासगो है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश के 54% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, तो वहीं 34% संख्या ऐसे लोगों की है जो कि किसी धर्म में यकीन नहीं रखते हैं। स्कॉटलैंड में भी वैश्यावृत्ति के कानून इंग्लैंड से मिलते जुलते हैं, हालांकि यहाँ पर भी वैश्यावृत्ति कानूनी रूप से लीगल है। यूरोप का यह देश अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरत नदियाँ, नए पुराने किले, चर्चेस दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। स्कॉटलैंड पर कुदरत की खास मेहरबानी रही है। प्रकृति के शानदार नज़ारों का लुत्फ उठाने के लिए दुनिया भर में इससे बेहतर जगह कोई और हो ही नहीं सकती। यहाँ की खूबसूरती को निहारने सैलानी यहाँ पर दूर दूर से आते हैं और इसी कारण स्कॉटलैंड का टूरिज्म इस देश के लिए अहम बन जाता है। दोस्तों, स्कॉटलैंड की एक और अनोखी पहचान ये है कि बैगपाइपर का अनोखा संगीत। अपने खास अंदाज के लिए यह आज दुनिया भर में फैल चुका है। इसके अलावा यहाँ पर ड्रम बजाना भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। स्कर्ट पहनकर पुरुष जब बैग पाइपर को बजाते हुए निकलते हैं तो वह नज़ारा बहुत ही खास लगता है। इस देश की जनसंख्या भले ही ज़्यादा ना हो, पर फिर भी इस देश को ज्ञानियों का देश कहा जाता है। यह वही देश है जिसने मशहूर साहित्यकारों से लेकर वैज्ञानिकों, डॉक्टरों के अलावा एक्टिंग की दुनिया में अपना नाम खूब रोशन किया है। आज सबसे ज़्यादा लोग टेलीविज़न और फोन्स पर ही अपना समय बिताते हैं, पर शायद आपको ना पता हो कि टीवी और फोन्स जैसी बहुमूल्य चीज़ों का आविष्कार इसी देश में हुआ था। दोस्तों, यह देश अपनी शराब बनाकर दुनिया भर में निर्यात करता है, जिसे लोग स्कॉच विस्की कहते हैं। स्कॉटलैंड का नेशनल एनिमल यूनिकॉर्न है। इसके अलावा एडिनबर्ग शहर में ही पहली बार फायर ब्रिगेड का निर्माण किया गया था। सबसे पहली कलर फोटोग्राफी स्कॉटलैंड में ही ली गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह स्कॉटलैंड की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।